हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीता और आपके अपने चैनल इशिताज क्रिएटिव कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर कुछ नया लेके आए हैं, कुछ नए DIY किए हैं। कुछ प्लांटर जो बारिश के मौसम में हमारे काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो उनको कुछ हमने पेंट करके नया कर दिया। देखिए इस तरह से, ये हमारे पुराने प्लांटर थे जो कि काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो सोचा कि इसको पेंट कर दें। और अक्सर हम बारिश के बाद जो है तो अपने प्लांटर पे पेंट वगैरह करते हैं, लेकिन इस बार ठंड में भी क्या हुआ कि बारिश होती रही, धूप कम निकली, जिसके कारण कि हमने इसको पेंट नहीं किया था। तो अब सोचा कि इनको कुछ नया कर दें। तो इस तरह से हमने सारे ही जो प्लांटर थे तो उन पे हमने वाइट पेंट कर लिया था, और इसके बाद देखिए कुछ इस तरह से इस पे डिज़ाइन हमने बना दी थी। और सारे ही प्लांटर जो हैं तो हमने ब्लैक एंड वाइट कलर के बनाए हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं बनने के बाद। तो इस तरह से पहले से हमने ड्रॉ कर लिया था कि सब चीज़ एक सी आए पेंट करने के बाद। और इधर पर देखिए हमने पूरी जो ब्लैक कलर एक्रेलिक कलर का लिया है, तो उसको हमने इधर पर फिल करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से देखिए कि बारिश के मौसम में अक्सर हमारे प्लांटर वगैरह ख़राब हो जाते हैं। वैसे तो ये प्लांटर आप 2 साल तक भी रखते हैं तो इन पे कलर वगैरह में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि बारिश के बाद कुछ भी कहिए तो कुछ कलर हल्के पड़ जाते हैं या फिर इनमें मिट्टी वगैरह लग जाती है, जिसके कारण कि ये उतने सुंदर नहीं दिखते हैं। तो हम बारिश के बाद अक्सर जो है तो अपने प्लांटर को नया कर देते हैं, जिसमें कि गार्डन जो है तो कुछ नया हो जाए और देखने में प्लांटर सुंदर भी लगें। और नई नई चीज़ें जब हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए हम अपने जो प्लांटर होते हैं तो बारिश के बाद हम अक्सर उनको पेंट कर देते हैं। और इन प्लांटर को आप इंडोर रखिए, आउटडोर रखिए, कहीं पर भी रखिए, इनके कलर पर ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है तो वो नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, काफ़ी समय तक धूप में रखे रहते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा पानी झेलते हैं, तो उस टाइम पे इनके कलर पर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखिए इधर पर दूसरा प्लांटर जो हमारा था तो इस पे कुछ इस तरह से हमने पेंट कर दिया था, और बस बनाने में बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन गए थे। बस जो कलर वगैरह सूखने में टाइम लगता है तो उसी में हमको समय लगता है, नहीं तो देखिए किस तरह से बहुत जल्दी से ये बन गए थे। और इस तरह से आप छोटे मोटे काम अपने करते रहते हैं तो आपका जो समय है तो वो भी बहुत अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई हैं और काफ़ी लंबे दिन होने लगे हैं और पूरा टाइम काटना मुश्किल होता है। तो इस तरह से देखिए आप DIY करके अपने घर को सुंदर बनाइए और साथ में अपने टाइम को भी जो है तो उसका भी यूज़ बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं।
इस तरह से जो हैं तो पुराने जो हमारे प्लांटर थे तो उनको हमने बिल्कुल नया कर दिया था। अब इसके बाद देखिए, एक ये प्लास्टिक का डिब्बा था जिसको कि हमने इस तरह से कट कर दिया था, और उस पे हमने जो वॉल पुट्टी थी तो उसको इस तरह से लगा दिया था। वॉल पुट्टी में सिर्फ हमने पानी और वॉल पुट्टी लिया है, उसका एक पेस्ट बना लिया था, और इस तरह से हमने इस पे लगा दिया था। पानी लगाते हुए उसको हमने बिल्कुल स्मूथ कर दिया था, और फिर इसको सूखने के बाद सैंड पेपर से इस तरह से घिस दिया था जिससे कि इसका बेस जो है तो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और इस पर भी हमने देखिए इधर पर ड्रॉ कर लिया था अपना डिज़ाइन, और बस उसके बाद इधर पर भी ब्लैक और वाइट कलर का हमने यूज़ किया है। और इस तरह से देखिए कि हमारे सभी प्लांटर जो हैं तो वो बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए बताना आपको है कि आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा जिसमें कि जो भी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है तो वो आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू। Thank you.